अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जिस चीज़ का हम सबको इंतजार था, एमएलई कैरेक्टर का, जो कि हमें 600 UC से मिल रहा है। पहले तो सब कह रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन ये 600 UC से मिलेगा। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस तरह मिल सकता है कि आपको इसमें करेक्टर वाउचर का एक इवेंट मिल रहा है, जिसमें 1200 UC और 1200 करेक्टर वाउचर आपको मिलेंगे मिशन कम्प्लीट करके और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके ज़रिए आपको ये फ्री मिल जाएगा। तो गैर ये रहा आपके पास एमएलई करेक्टर का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे एना का करेक्टर आपके पास आया था और उसमें आपके पास 5 वीप का करेक्टर वाउचर इवेंट आया था, इसी तरह एमएलई के करेक्टर में भी आपके पास 5 वीप का करेक्टर वाउचर इवेंट आने वाला है, जिसमें से कुछ चीज़ें तो आपको सिर्फ लॉग इन करने पर मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हो सबसे पहले लिखा हुआ है कम्प्लीट 1 मैच पे आपको 10 करेक्टर वाउचर मिलेंगे और 200 PP कॉइन मिलने वाले हैं। इसी तरह फिर कह रहे हैं कम्प्लीट 3 मैचेस पे आपको 20 करेक्टर वाउचर मिलेंगे, स्पेंड टोटल ऑफ 60 मिनट्स इन। इस तरह आपको मतलब डिफरेंट करेक्टर वाउचर मिलने वाले हैं, जो कि आपको सिर्फ लॉग इन पे भी मिलेंगे, उसके अलावा गेम में कुछ टाइम स्पेंड करने पे भी मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ मिशन करके भी मिलेंगे। आपको याद होगा जिस चीज ने एना का इवेंट खेला था या एना के करेक्टर वाउचर इवेंट के जरिए 1200 करेक्टर वाउचर इवेंट कलेक्ट किए हुए थे, उनको तो इसके बारे में पता होगा कैसे उन्होंने ये मिशन कम्प्लीट करने हैं। और जिनको नहीं पता, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ आसानी से बता दूंगा, जिसके जरिए वो इजीली एडमिशन को कंप्लीट करके 1200 करेक्टर वाउचर इवेंट ले सकते हैं। तो गाइस करेक्टर वाउचर इवेंट पे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको इसके लेवल्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन से लेवल पे आपको क्या क्या मिलेगा, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस दिन आपको ये एमएलई करेक्टर मिलने वाला है। तो गाइस कंफर्म डेट आपकी जो है फ्राइडे वाले दिन आपको एमएलई करेक्टर मिलने वाला है। फ्राइडे को आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई न्यू चीज़ या न्यू इवेंट आने वाला होता है पबजी में तो या बीजीएमआई में, तो बीजीएमआई में उसकी थीम सॉन्ग पहले आ जाती है, उसका ट्रेलर आ जाता है। और आपके पास आप बीजीएमआई में और पबजी में इसका ट्रेलर कल आ चुका है। तो गाइस 2 दिन बाद आपके पास ये इवेंट आ जाएगा। अगर फ्राइडे को ना है तो इंशाल्लाह संडे वाले दिन तक आपके पास आ जाएगा। तो आप देख लें, लेवल 1 पे आपको इसका ये अवतार मिलने वाला है, लेवल 2 पे वॉइस पैक मिलेगा, लेवल 3 पे इसी तरह फिर वाउचर, और लेवल 4, ये लेवल 5 पे मैं आपको इसका इमोट दिखा रहा हूँ, आप देख लें। लेवल 5 के बाद लेवल 6 पे फिर आपको वॉइस पैक मिलेगा, लेवल 7 पे आपको 100 करेक्टर वाउचर मिलेंगे, और लेवल 8 पे आपको करेक्टर शार्ड मिलेंगे, जो कि लेजेंडरी नहीं है, ये तो नॉर्मल वाले हैं और ना ही इपिक है, ये तो आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि हमें इपिक जो है ना शार्ड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसके इमोट को ओपन करने के लिए। उसके बाद आपको लेवल 10 पे जो है ना एक MVP शोकेस मिलने वाला है, जो कि एमिली करेक्टर के साथ आएगा। मुझे इसका MVP बहुत बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहले जितने भी आए थे ना करेक्टर्स, उनका MVP इतना अच्छा नहीं आया जितना इसका MVP है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये देखें शील्ड बना रही है। तो गाइस इसका जो MVP है ना वो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि और मुझे ये अच्छा भी लगा। आपको ये MVP कैसे लगा है? उसके अलावा आपके पास इसका एक ही आउटफिट जो अभी तक लीक्स में हमारे पास आया है, वो एक ही आउटफिट है। मे भी कुछ कह रहे हैं कि इसके साथ 2 आउटफिट होंगे, एक और वाइट कलर का, तो जब आएगा तो पता चलेगा, अभी तक कंफर्म नहीं है गाइस। तो एक जो है इसका लेवल 5 पे आपका ये वाला इमोट ओपन हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे वाले इमोट्स है ना वो आपको शार्ट से ओपन करने पड़ेंगे। ये देखिए आपके पास कह रहा है Epic 50 Shard या Epic 50 Shard से ये दोनों इमोट आप ओपन कर सकते हो। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, एमएलई करेक्टर जो है वो आपका साइंटिस्ट पर बेस कर रहा है, इसलिए इसके हर इमोट में भी जस्ट लाइक साइंटिस्ट लग रही है। उसके अलावा ये इसमें कुछ ना कुछ उठा रही है या कुछ कर रही है या कुछ शील्ड लगा रही है, तो ये एक साइंटिस्ट बेस करेक्टर होने वाला है। तो गाइस इसके अलावा आपके पास पबजी मोबाइल में एक राइज फ्रॉम द एशेज इनलाइटमेंट के नाम से इवेंट भी ऐड हुआ है, जिसमें आपने सिर्फ क्या करना है, फिनिश 10 टाइम्स इन टॉप 4, 10 दफ़ा आपने टॉप 4 में आना है, बस 10 दफ़ा आपने टॉप 4 में आओगे और आपको ये वाला जो है ना आउटफिट, ये जो आप शो देख रहे हो ये वाला आउटफिट मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आपको ये जो मोर वाला आउटफिट है ना, ये BGMI की एनिवर्सरी में इसके साथ वाले कस्टम क्रेट में आना था, लेकिन उसने वहाँ पर ऐड नहीं किया, बल्कि इसके लीज को यहाँ पर सिर्फ शो किया है। तो ये वाला आउटफिट तो आ गया, अब ये वाला आउटफिट कहाँ पे आएगा, कब आएगा, कैसे, अभी तक इसके लीज हमारे पास नहीं है। इसके अलावा आपके पास राइज फ्रॉम द एशेज सर्वाइव के नाम से भी एक इवेंट ऐड हुआ है। तो गाइस आपने देखा होगा इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं, सिर्फ लॉग इन करने पे, सर्वाइव करने पे, 60 मिनट, 90 मिनट, 180 मिनट, 120 मिनट्स, ये वो क्रिस्टल मिल रहे हैं आपको, सप्लाई करेट कॉपन मिल रहे हैं आपको, करेक्टर सॉरी करेक्टर कह रहा हूँ, आपको यूसी के वाउचर मिल रहे हैं, उसके अलावा आपको क्रेट्स मिल रहे हैं, ये वो सब कुछ आपको
मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और इवेंट जो है वो सिर्फ लॉग इन, आपको एक दिन लॉग इन करना है, 5 दिन लॉग इन करना है, 7 डेज लटन बटन वो जो भी है, आपको लॉग इन पे डिफरेंट सप्लाई क्रेडिट्स मिलेंगे। उसके अलावा ये कोपन, उसके अलावा कस्टम क्रेडिट, ये उस मतलब कस्टम क्रेडिट थोड़ी कह रहा हूँ, सप्लाई क्रेडिट और क्लासिक क्रेडिट, ये क्रेडिट्स आपको सिर्फ लॉग इन करने पर मिलेंगे। ये दो इवेंट्स आपके पास बीजीएमआई में, सॉरी पबजी मोबाइल में ऐड हो गए और बीजीएमआई में भी बहुत जल्द ऐड हो जाएंगे, क्योंकि पहले पबजी मोबाइल में है तो बीजीएमआई में भी आ जाएंगे। उसके अलावा आपके पास ये ऐड हुआ कैप्टन ट्रेजर के नाम से, आप यहाँ पर टेडी बियर पर क्लिक करेंगे 2 टाइम तो आपको एक प्रीमियम क्रेडिट मिलेगा। ये देखिए आपको 2 टाइम क्लिक करने पर आपको प्रीमियम क्रेडिट मिला है। तो गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोपन एक्सचेंज इवेंट जो है ये 31 तारीख को, मतलब आज की डेट में ये ख़त्म होने वाला है। तो आपने अगर कोपन एक्सचेंज इवेंट से चीज़ों को अभी तक एक्सचेंज नहीं किया, मतलब क्लासिक क्रेडिट जो आपके पास पुराने थे या प्रीमियम क्रेडिट पुराने थे और सप्लाई क्रेडिट पुराने थे, अगर आपने उनको अभी तक एक्सचेंज नहीं किया तो आज ही आज एक्सचेंज कर लें, क्योंकि 31 तारीख आज है और आज ही ये इवेंट आपके पास ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने आज ही एक्सचेंज नहीं किया समझिए आपके सारे कोपन ज़ाया हो जाएंगे, या तो पबजी वाले इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और जो नेक्स्ट अपडेट आएगी उसमें ये पुराने वाले कोपन जो हैं कस्टम सॉरी क्लासिक क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट और सप्लाई क्रेडिट के, उन कोपन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे और न्यू वाले कोपन से ऐड करेंगे जो आपकी अचीवमेंट है उधर, या फिर ये इसकी जो है ना टाइम टाइम पीरियड को एक्सपायरी वो इसको एक्सटेंड कर देंगे। देखते हैं क्या करते हैं, मेरे हिसाब से जो इवेंट ख़त्म हो जाएगा। तो गैस इससे पहले इवेंट ख़त्म हो आप अपने कोपन को एक्सचेंज कर दे, फिर ना कहना मैंने आपको बताया नहीं। तो गैस ये थी आपकी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।